हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे बैंगन फ्राई, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और एकदम आसानी से बन जाती है। बस इसको सही तरीके से बनाना आना चाहिए। दोस्तों, आज मैं ये रेसिपी को कैसे बनाऊँगा ये जानने के लिए आप वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें। तो फिर चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातचीत ना करके आज की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का बैंगन लिया है और इसको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया है। अभी हम एक चाकू के मदद से इसको काट लेंगे। मैंने इसको लंबा लंबा करके काटा है। आप अगर चाहें तो इसको अपना मनचाहा शेप में काट सकते हैं। मैंने यहाँ पे सफ़ेद बैंगन का यूज किया है, आप चाहे तो दूसरे रंग का बैंगन भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो बड़ा साइज का बैंगन है ये भरता वाला बैंगन है, इसमें एकदम छोटा छोटा बीज रहता है, इसीलिए खाने के टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आप जब भी घर में कभी बैंगन फ्राई या फिर बैंगन भरता बनाए, इसी तरह का बैंगन लेने का कोशिश करिएगा। ये देखिए, मैंने बैंगन को काट के रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी हम एक कटोरी में लेंगे थोड़ा सा दही, और दही को डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा अरारूट पाउडर, और इसको डालने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। और ये हमने डाल दिया नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कलर फूड, और ये रहा जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ये नॉर्मल पानी है। अब हम इन सारे चीज़ों को एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिला के एक अच्छा सा घोल बना के रेडी कर लेंगे। हम जो घोल बनाएंगे ये ना ज़्यादा मोटा रहेगा और ना ज़्यादा पतला। अब देखते रहिएगा, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, ये एकदम परफेक्ट है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सफ़ेद तिल। इसको डालने से ये खाने में भी अच्छा लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। और इसको डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हम लेंगे एक कटा हुआ बैंगन, और बैंगन को इसमें अच्छी तरह से डिप करेंगे और इसको चारों तरफ अच्छी तरह से इसका एक कोट बना लेंगे। ये देखिए, हमने पहले तेल को गर्म कर लिया था, अभी हम इसमें इसको डाल देंगे। ये हमने पहले डाला और ये हमारा दूसरा बैंगन हो गया। हम एक एक बार में दो दो बैंगन करके डालेंगे। ये देखिए, हमें बैंगन को उलट पुलट करके दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अभी हम एक एक करके दोनों बैंगन को प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारा पहला बैंगन, और ये रहा हमारा दूसरा बैंगन। अब हम एक एक करके सारे बैंगन को फ्राई कर लेंगे। चलिए, मैं आपको फिर एक बार सेम प्रोसीजर में बैंगन को फ्राई करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमने पहले बैंगन को डाला, ये हमारा दूसरा बैंगन, और इसी तरह हमें एक एक करके सारे बैंगन को फ्राई कर लेना है। दोस्तों, मेरे बताए हुए तरीके से ये रेसिपी को आप घर में एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा करके सारे बैंगन को फ्राई कर लिया है, हमारा बैंगन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। दोस्तों, आज के मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में और एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।